लगा ना इसके सब्सक्राइबर ना हुए तो भाई साहब सजा आपको देने के बजाय इसको देनी है, हमने इसकी टिंड करवा देनी है। यार सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आपके भाई ने जो नंबर प्लेट वाली फनकारी लगाई है वो आप लोगों को कैसी लगी है। तो बॉयज सुनाओ क्या हाल चाल है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आपका भाई भी एकदम फिट फाट जबरदस्त है। और आज की अपडेट कुछ ऐसी है कि आपका भाई न्यू रिम्स लेने के लिए जा रहा है, रिम कौन से हैं वो आपको जाके दिखाएंगे। बट बिफोर दैट हमें एक दुख का सामना करना है, बट वो दुख जितना पहले फील होता था उतना फील नहीं होता, क्योंकि ये वाला दुख हमें बार बार जिंदगी में झेलना पड़ता है। तो अब हमारा जो फीलिंग वाला प्रोसेस है ना उसके साथ वो काफी ज्यादा कम हो चुका है, अब इतना ज्यादा फील नहीं होता वो दुख हमें। आप लोग सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई सब किस दुख की बात हो रही है, तो दुख ये हमारी गाड़ी में से स्ट्रेट पाइप वन सेकेंड उतरने लगे। अब उतारने की रीजन क्या है, तो उतारने की रीजन ये है कि भाई आपका जा रहा है फैसलाबाद, और फैसलाबाद के जो पुलिस वाले हैं भाई साहब इंतहाई वैशी हुए पड़े हैं, काले शीशे प्लस स्ट्रेट पाइप होना, तो गाड़ी उठा के भाई साहब सीधा थाने में फेंक रहे हैं जितनी भी मॉडिफाइड कार है, और साथ ही उसके ओनर को भी अंदर फेंक देते हैं। तो हमारी जिंदगी में आगे बहुत गम है, आगे बहुत टेंशन है, तो मेरे को टेंशन नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग सुकून से स्ट्रेट पाइप अपना उतार के रखेंगे, जेनुइन वाली पाइपिंग सारी वापस लगा के सुकून माहौल के साथ जाएंगे फैसलाबाद, के हमें इस रोले का सामना ना ही करना पड़े। रेज ओवर ब्यूटी, और ये है शहरी साहब का घर, और ये कोई इंतहाई रामी बंदा है, इसको जब पता है कि भाई साहब हमजा भाई उसे लेने आ रहे हैं तो भाई साहब गली में खड़े रहो के भाई साहब इस ब्यूटी का कोई अच्छा सारा शॉट ही ले लो, बट नहीं वो रामी तो जहाँ से गायब ही था अभी आया और अंदर से लेने गया, कोयल ओवर उसके पास पड़े थे, आते हैं तो वो डिक्की में रख के निकलने वाली करेंगे। अभी यहाँ खड़े हो गए, मैं इसे देख रहा था और मेरी एक चीज़ पर नज़र पड़ गई, अगर ना पड़ती तो आज आपके भाई ने सेवन अप हो जाना था, ये स्क्रीन जाती रहती थी आपके भाई की, बोनट खोला था आगे और बंद किया ही कोई नहीं, अब हुआ बंद। स्ट्रेट पाइप हम लोग गाड़ी का उतार रहे हैं, और गाड़ी की जो ओरिजिनल पाइपिंग है फ्रॉम कंपनी जो आती है वो लगा रहे हैं, हैरिस ओवर कैटालिटिक कन्वर्टर, इससे आगे अपना पहला रेजोनेटर, फिर दूसरा रेजोनेटर, इससे आगे होता है गाड़ी का साइलेंसर जो कि हम लोग नहीं लगाएंगे, वहाँ पे एक स्टील का पाइप लगाएंगे। अभी गाड़ी निकाल रहा है आपका भाई बाहर, और इसके बाद हम लोग इसको दूसरे डेक पे लगाएंगे जहाँ पे इसका दूसरा काम होगा। वापस हम लोग अपने उस्ताद जी के पास आ गए, और यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है, जो हमारे स्ट्रेट पाइप का गट है और ये जो हमारे अपने जेनुइन पाइप का गट है वो दोनों मैच नहीं कर रहे, तो इसलिए हमें इसका गाटा उतार के इसकी दोबारा से फिटिंग बनानी पड़ेगी। आप लोगों ने मेरी कुछ पिछली वीडियोज में देखा होगा कि जब मैंने वो अपना स्ट्रेट पाइप का पीछे वाला पाइप लगाया था वो इस जगह से निकल रहा था, क्योंकि उसकी फिटिंग खराब थी, बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर से रस्सियों से अड़ा के और एक नट लगाया था। अभी हम लोग इसको वापस यहाँ से निकलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो ओवर लगता है पीछे से, और इसके लिए हमें गाटा उसका चेंज करना पड़ेगा। अभी गाटा भी चेंज होगा, उतर के दोबारा उसकी एक बार फिटिंग बनेगी, वीआईपी काम हो जाएगा हमारा, और जो हमारे स्टेट वाइज में दो चार रोले हैं इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं वो भी इनसे ठीक करवाएंगे अब, बट तीन चार दिनों बाद, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं रिम वाले चक्कर में, आप सबको पता है। अब ये काम होता है फिर निकलते हैं। ज़्यादा रोले हैं, बहुत रोले हैं। अभी स्ट्रेट पाइप हमारा सुकून से 500 रुपये में उतर के सादा लग जाना था, बट उसकी फिटिंग सेट करवाने के चक्कर में हमारा 1500 लग गया, और तकरीबन डेढ़ घंटा ज़ाया भी कर बैठे हैं। हम लोग 12:00 इसके पास आए थे ना, अभी 1:20 हो गए। अब जल्दी से यार निकलते हैं फैसलाबाद के लिए,
और साउंड की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी भाई साहब, इसके ऊपर भी गाड़ी का साउंड बहुत ही मजे का है, सिर्फ इसलिए कि हमने स्टेनलेस स्टील वाला पाइप लगाया एंड पे। 2 hours later भाई साहब बड़ी खतरनाक जगह पे उन्होंने बनाया हुआ है कसम से, कुमकुम का खजाना जैसे होता है। ये रिम है भाई साहब जो कि हमने अपनी कल्टस के लिए ले ली है, और ये एक और रिम है 17 इंच के अंदर क्रोला का जो कि हमें पसंद आ रहा है। ये वाली जो इसकी साइड है इसको टूल फिनिश करवाते हैं, जो अंदर वाला ब्लैक है इसे व्हाइट करवा लेते हैं। आपका भाई तहे दिल से साथ साहब को मुबारकबाद देना चाहेगा उनके ब्रांड न्यू रिम्स के ऊपर। और बस आप लोगों ने एक छोटा सारा काम करना है कि साथ ये जाके चैनल को करना है सब्सक्राइब। कितने सब्सक्राइबर हैं अभी? 870 है भाई, सिर्फ 130 सब्सक्राइबर करा दो, ना एक ऊपर ना एक नीचे, बस एक बार इन रिम्स के नाम पे ना भाई साहब बिग इन्वेस्टमेंट हुई है, तो आपने साथ साहब के आज 1000 सब्सक्राइबर करवा देने हैं, लाजमी करवाने हैं। रात तक ना हो तो ट्रेंड करा देनी है। हाँ, रात अगर इसने ना इसके सब्सक्राइबर ना हुए तो भाई साहब सजा आपको देने के बजाय इसको देनी है, हमने इसकी टिंड करवा देनी है, और आप लोगों को फिर नेक्स्ट व्लॉग में टिंडे नजर आएगी। अब ये ना आप लोग टिंडे देखने के चक्कर में सब्सक्राइब ही ना करो, सब्सक्राइब कर दो यार, बचा लो बच्चे के, इतने प्यारे माशाल्लाह बाल हैं यार, क्या रोज सेट करवाता है। 150 देख, हाँ जी 150 रुपया देके बाल सेट करवाने पड़ते हैं, तो आप लोग ये काम करो अपने भाई का, मैं कहता हूँ बिग लव हो जाएगा, क्योंकि हर वीडियो के ऊपर अब 3-4 हज़ार व्यूज तो आ जाते हैं ना, उन 3-4 हज़ार में से आप लोग जो बंदे हो यार, सिर्फ 150 बंदा भी जाए सब्सक्राइब कर देगा ना, मैं कहता हूँ मौज लग जाएगी। एक होती है भाई साहब 1000 सब्सक्राइबर्स की जो अचीवमेंट है ना, वो बहुत अखीर लेवल की होती है, बड़ी खुशी होती है बंदे को, क्योंकि वो बंदे का एक स्टार्टिंग टाइम होता है। ये आप लोग करवा दो भाई साहब आज, बाकी अभी हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ पे शॉक ठीक करवाने के लिए, हमारे ये पीछे कोयल ओवर पड़े हैं, तो ये हम लोगों ने यहाँ मार्केट से रिपेयर कराने हैं। साथ के कोई बंदा है, साथ का बंदा नहीं मतलब मार्केट में कोई बंदा है उससे ठीक करवाने हैं। 12 seconds later ये अपने बैक साइड के कोयल ओवर हैं, अपने फ्रंट के कोयल ओवर हैं। अब कोयल ओवर में मसला क्या है, लीकेज है या क्या है वो ऐसे पता नहीं चलेगा, एक बार इनको खोलना पड़ेगा और अंदर से देखना पड़ेगा कि जो उसका राड है वो अभी तक डैमेज तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपके कोयल ओवर लीक हो जाए यहाँ पर राड के ऊपर ही गाड़ी को चलाई रखो ना, तो जो उसका राड होता है अंदर वाला स्टील वाला भी आपको मैं चेक कराऊंगा, वो सीधा होता है तो वो टेढ़ा हो जाता है, अभी ये खुलेंगे फिर ही असर पता चलना है। अभी भाई इनको खोल रहे हैं और मुझे ये था बिल्कुल ही मर चुके हैं, बट नहीं काम चल रहे हैं, भाई ने बिल्कुल शॉक करके एक बार उसे प्रेस किया, वो खुद से ऊपर आ गया था। एक जो शॉक है भाई साहब हमारा खुल चुका है और बाहर आ गया, लेट्स सी कि अब इसका क्या रोल है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, होप फॉर द बेस्ट। भैया इस तरह जिहड़ा दबा के चेक करदे हो इहदा की हिसाब हुंदा है, किस तरह चेक हुंदा है? नहीं इहदा प्रेशर चेक करीदा, बिल्कुल ओके नहीं ओके। ते इहदा की होया मसला? नहीं सही इहदा, इह जंप छड रिहा, थोड़ा सेटिंग करवा लेने। हाँ हाँ, लीकेज वाला मसला नहीं है इनू? लीकेज वाला नहीं। ठीक है भाई साहब, ये लीकेज से बचा हुआ है हमारा, क्योंकि अगर लीकेज हो तो यहाँ पे आपको सारा ऑयल नजर आता है। अभी दूसरा खुल रहा है, होप फॉर द बेस्ट, उसमें भी ये मसला ना है, उसका भी सिर्फ जंप वाली मसला, पिछले में भी यही था, टापे मार रही थी गाड़ी अजीब सारी, तो अब वो क्या मसला, मे भी ये हार्ड हुए होंगे, इसको सॉफ्ट करने की हमारे पास वो चूड़ी भी नहीं थी है, वो ऊपर से गायब है जिसने भी हमें कोयल ओवर भेजे हैं, तभी हम लोग ये भी चेक करवा रहे हैं। हेलो बाबा जी, एक बैड न्यूज़ आ चुकी है हमारे पास, ये वाला जो हमारा शॉक है ये लीक है, ये वाला बच गया, ये वाला लीक है, अब बाकी दोनों खोलते हैं उनमें देखते हैं क्या सीन होता है। एदा भी तो इतने तेल लग गया कि नहीं? एदा ठीक है, अच्छा है वाला लीक है, ये हमारा ओके वाला है और ये हमारा नो टोके वाला है, बाकी दोनों पे अल्लाह ही खैर करे क्या होता है। यार वो आप लोगों को आपके भाई के कोयल ओवर नज़र आ रहे हैं, भाई को कोयल ओवर ठीक होने के लिए दे दिया, भाई कह रहे हैं आपको 8 बजे तक मिल जाएंगे, अभी बज चुके हैं 6, और अपनी ये कबाड़ मार्केट इधर सिर्फ और सिर्फ एक यही कोयल ओवर वाली दुकान है, ये नहीं नहीं ये तो दाल चावल वाला भाई, ये भाई की नंबर भी है दुकान का, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, यार सीन ये है कि हम लोग अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग उतरवा रहे हैं, हम लोग स्टेयरिंग के बगैर ही अब गाड़ी चलाएंगे, बाहर जाकर टायर मोड़ने ने। हाँ, शेरी को साथ रख लेना, शेरी को ऐसे टायर मोड़ेगा, नो मोर विद अस का स्टेटस लगा देंगे हम लोग, क्योंकि हमें एक नया खड़ पैंट स्टेयरिंग पसंद आ गया है, और वो भी लगेगा आप लोगों को, होप सो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये अपडेट है वाला यार, चलो भाई
ओके हो गए ने, बेहतरीन हो गया भाई सब, बेहतरीन। भाई साहब अपने चारों शौक पा चुके हैं, सारे के सारे VIP कर दिए हैं। इसमें जितना भी लीकेज वाली प्रॉब्लम थी सारी सॉल्व हो चुकी है। हार्डनेस का प्रॉब्लम था, मतलब शौक बड़े हार्ड थे, वो भी सारे सेट हो गए हैं। फिर गाड़ी वो जो कह रहा था ना मोहसिन, टापे मारती है गाड़ी, टापे बड़े मारती है, वो वाला मसला भी सॉल्व हो गया। कोई खड़खड़ की आवाज़ नहीं आई, कोई टिक टिक की आवाज़ नहीं आएगी, पूरा VIP जेन्युइन काम हो गया। अब इनको लगाते हैं और देखते हैं कि सब क्या होता है आगे। भाई साहब ये शॉप है, यहाँ पे हम लोगों ने अपने शॉक्स जो हैं वो रिपेयर होने के लिए दिए थे, हो गए हैं रिपेयर। और मेरा दिल था आज ही मैं फ़िट करवा के जाता, बट फिट नहीं हो रहे। अब उसके चक्कर में दोबारा फैसलाबाद आना पड़ेगा, बट कोई नहीं भाई, ज़िंदगी में ये मसले मसले चलते रहते हैं। बाकी ये है हमारा भाई साहब नया स्टेयरिंग, जो कि आपके भाई को बड़ा पसंद था, क्योंकि इंडस गाड़ी तो घर वाले लेके नहीं थे दे रहे, तो मैंने ये वाला फिलहाल स्टेयरिंग लगा लिया। बट एक प्रॉब्लम है इसमें कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, गाड़ी खिंच मार रही है खब्बी साइड को, यहाँ अलाइनमेंट आउट हो गई है, यहाँ अल्लाह जाने क्या सीन है। अभी आप लोगों के इसके साथ मांडा मार के चेक करवाते हैं। और इसमें एक और प्रॉब्लम है कि हॉर्न नहीं चल रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। चक्री चेंज कराओ भाई। हाँ देखते हैं भाई, कोई नहीं, अब जारी बात है चलाना है इसको, इसके साथ तो कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा। ठीक, वो वाला हमने अपना 10,000 का दिया है और साथ जो है 5 और डालना पड़ेगा, क्योंकि ये 15,000 का था। क्लासिक भाई चीज़ें आपको पता है फिर महंगी होती हैं यार। साथ देख गाड़ी पर इतना पैसा लगा दिया कसम से, फिर भी कोई बंदा भाई जब जाके फॉलो नहीं करता ना, सब्सक्राइब करता है